चींटियों की जिंदगी एक मुनज्जम समाजी निजाम के अंदर दिलचस्प और मुनज्जम होती है। चींटियां समाजी कीड़े हैं, यानी वो इंतहाई मुनज्जम कॉलोनियों में रहती हैं, जिनमें हर फर्द के लिए मखसूस किरदार होते हैं। यहाँ एक कॉलोनी के अंदर चींटियों की जिंदगी का एक जायजा है। एक मलिका चींटी। कॉलोनी आमतौर पर एक ही मलिका चींटी से शुरू होती है। मलिका का बुनियादी काम अंडे देना है। वो कई साल तक जिंदा रह सकती है और अपनी जिंदगी के दौरान हजारों से लाखों अंडे पैदा कर सकती है। दो मजदूर चींटियां। वर्कर चींटियां मादा हैं जो दोबारा पैदा नहीं करती हैं। वो कॉलोनी के अंदर मुख्तलिफ कामों के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे खाने के लिए चारा लगाना, बच्चों की देखभाल करना और घोंसले का दिफा करना। मजदूर चींटियों के मुख्तलिफ किरदार हो सकते हैं, बशमूल चारा, नर्सें और सिपाही, उनकी उम्र और कॉलोनी की जरूरियात के लिहाज से। तीन नर चींटियां। नर चींटियों का एक वाहिद मकसद है, मलिका के साथ मिलना। इनकी उम्र कम होती है और आमतौर पर मिलन के फौरन बाद मर जाते हैं। चार अंडे और लार्वा। चींटी की कॉलोनियां नशोनुमा के मुख्तलिफ मराहिल में अंडे, लार्वा और पप्पू पर मुश्तमिल होती हैं। वर्कर चींटियां अंडों और लार्वा की देखभाल करती हैं, उन्हें खाना खिलाती हैं और घोंसले को बरकरार रखती हैं। पांच पीपिशन। चींटी का लार्वा आखिरकार प्यूपेट, बालिग चींटियों में मेटामोरफोसिस से गुजरता है। ये अमल चींटी की अनवा के लिहाज से मुख्तलिफ होता है। छह जिंदगी के चक्कर। कारकुन चींटियों का लाइफ साइकिल लंबाई में मुख्तलिफ हो सकता है, चींटी की नस्ल और माहौलियाती हालात जैसे अवामिल पर मुनहसर है। मजदूर चींटियां चंद हफ्तों से कई महीनों तक जिंदा रह सकती हैं, लेकिन मलिका कई साल तक जिंदा रह सकती है। सात ग्योहेसुला और चारा। चींटियां घोंसले बनाती हैं जिनकी पेचीदगी मुख्तलिफ होती है, सादा जेर जमीन चैम्बर से लेकर वसी टीले तक। मजदूर चींटी खाने के लिए चारा, जिसमें अमृत, कीड़े, बीज आदि दीगर नामियाती मवाद शामिल हो सकते हैं। आठ मेहनत की तकसीम। चींटी की कॉलोनियां मेहनत की तकसीम की वजह से इंतहाई मुअस्सर होती हैं। कॉलोनी की बका और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ चींटियां मखसूस काम अंजाम देती हैं। नौ मुवासला। चींटियां अपनी सरगर्मियों को मरबूत करने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से बातचीत करती हैं, बशमूल कीमियाई फीरोमोनस और टेक्टाइल सिग्नल्स। दस कॉलोनी की तरक्की। चींटी कॉलोनियां वक्त के साथ साइज में बढ़ सकती हैं, अक्सर वसाइल की दस्तियाबी और माहौलियाती हालात से मुतासिर होती हैं। चींटियां जमीन के सबसे कामयाब और बेशुमार हशरात में से हैं, उनका एक हिस्सा उनके पेचीदा समाजी ढांचे और कॉलोनियों के अंदर तआवुन की वजह से है। चींटियों की मुख्तलिफ अनवा मुख्तलिफ तर्ज अमल और मुआफ़िकत की नुमाइश करती हैं, जो उन्हें माहौलियाती निज़ाम की एक वसी रेंज में पनपने की इजाज़त देती है।